तो कार का जो कूलेंट का लीकेज था वो पता चल गया कहाँ से हो रहा था, यहाँ आगे से कहीं से नहीं हो रहा था, जबकि वो कूलेंट लीक कर रहा था हमारा। नीचे आप देखेंगे ये कूलेंट ही कूलेंट गिरा हुआ इस साइड से आ रहा था। अब देखो ये जो हीटर होता है उसके थ्रू ही जो उसकी कॉयल होती है वो गल गई होगी शायद, उस चक्कर में आ रहा है, तो कनेक्शन तोड़ेंगे, मतलब हीटर का कनेक्शन हटा देंगे, जिससे कि जो कूलेंट है सीधे सीधे आगे ट्रांसफ़र होता रहे हीटर में से होके ना जाए हीटिंग की कॉइल से। देखो क्या होता है, ये करके दिखाते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। अब देखो कि आधा घंटा और लगेगा इसमें, जिससे कूलेंट का लीकेज रुक जाए। तो ये सब खुल के निकलेगा है, अब जगह बन गई, जगह बनानी पड़ती है। तो कूलिंग कॉइल गलने के कारण ये कूलेंट निकल रहा था, अब देखो कैसे सही होता है। तो जुगाड़ बनाएंगे। असलम भाई तो निकल गया है वो पाइप, ये रही। तो इससे वो पाइप भी निकाल दिया इनलेट और आउटलेट वाला, अब कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ बनाएंगे जिसे जोड़ दें और अंदर कूलेंट लीक ना करे। हीटर वाला सिस्टम है इसमें, ये जुगाड़ है गोल करके हैं, इसे ही जोड़ दोगे दोनों पाइप में है इनलेट आउटलेट दोनों। अच्छा दोनों पाइप जॉइंट, अब निकलेगा तो नहीं उस साइड से दूसरा छोटा पाइप किस साइड? कहीं कुछ नहीं निकलना। चलो अब चेक कर लेते हैं। तो असलम भाई ने काम कर दिया, अंदर अगर भरा हुआ कूलेंट वो तो निकलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर है ना, थोड़ा बहुत जो है ना भर गया वो ही निकलेगा ना, बाकी कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ये पानी तस्लीम भरा कुछ नहीं, खाली है अभी। ये गाड़ी स्टार्ट करो, अब कूलेंट यहाँ से तो नहीं निकल रहा, वरना यहाँ से निकल रहा था, दिख तो नहीं रहा यहाँ पे था ना, दिख ना हो जाएगा। तो काम है ऐसा ना करो, जुगाड़ वाला सही है वाला काम करा, क्लिप लगा के पूरा हो गया है, पाइप भी वही डाला जो